जय श्री काल भैरव। आप सभी के लिए उत्तराखंड के गुप्त स्थान से, यहाँ पर मैंने काफ़ी समय साधनाएं करी हैं, अपने एकांत स्थान समय, जैसे समय समय पर मैं अपने कुछ साधकों को, शिष्यों को साधना के लिए ऐसे गुप्त स्थानों पर लाता हूँ। ऐसे ही एक गुप्त स्थान पर मैं उनको लेके आया हूँ। प्रकृति में साधना का अपना एक साधकों के लिए अलग महत्व है। हम लोग अभी पहुंचे हैं और यहाँ पे 5 दिन का मैंने कैंप लगाया है कुछ शिष्यों के लिए। ये मेरे कुछ शिष्य अपनी थकान उतारते हुए पानी में आनंद लेते हुए मैं अपने शिष्यों को समय समय पर ऐसे स्थानों पर लाने के लिए प्रेरित भी करता हूँ, ताकि वो जो अपनी स्वाभाविक प्रकृति है, जो अपना स्वभाव है, जिसको समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए भूल चुके हैं, उसको दोबारा से अनुभव कर सकें, प्राप्त कर सकें। यहाँ पर कुछ ध्यान की प्रकृति मध्य साधनाओं को जो मैं लगातार कई वर्षों से करा रहा हूँ, उनको कराने के लिए आया हूँ। बहुत सारे साधक मुझसे संपर्क करते हैं ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए, जो जो मेरे साधना के स्थल हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर मैं सबको लाता हूँ, ताकि वो समय समय पर अपनी साधनाओं को संसार के साथ अपना कर्म करते हुए अग्रसर होते रहें। प्रकृति में जो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे वो पानी की कलकल हो, चाहे हवा की वृक्षों के साथ चोट मारने से उत्पन्न ध्वनियाँ हो, ये देखिए एक सुंदर पक्षी यहाँ पर, एकदम स्वच्छ जल। मेरे शिष्य मौन का, एकांत का आनंद लेते हुए वो सभी स्थान धीरे धीरे मैं सबको साधकों को ले जा रहा हूँ, जहाँ पर उन सभी साधकों को होना चाहिए अपनी अपनी साधनाओं को पूरा करने के लिए। और कई वर्षों से ले जा रहा हूँ, लेकिन कभी आप लोगों के साथ साझा नहीं किया है। अब ऐसे सभी स्थानों को मैं आपके साथ साझा करूँगा, ताकि आपको भी प्रेरणा मिल सके।
शुद्ध प्रकृति के मध्य जो आप और हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसमें कुछ ऐसी विशिष्ट चीज जागती है जो शब्दों से समझाई नहीं जा सकती। आप लोग मुझसे इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं, जो जो अपनी साधनाओं को मेरे संग शुद्ध भाव से आगे बढ़ाना चाहते हो, समर्पण के साथ। मैं भी अपने सभी शिष्यों को खूब आनंद और मस्ती में डुबाता हूँ और सदैव डुबाना चाहता हूँ। देखिए किस प्रकार से मस्ती। साधकों को सदैव ध्यान, मंत्र, तंत्र के साथ प्रकृति में मैं सदैव ले जाता हूँ। इन साधकों के चेहरे पर जब मैं प्राकृतिक हंसी देखता हूँ, मुस्कान देखता हूँ, वो नैसर्गिक ऊर्जा इनसे फूटती हुई देखता हूँ, तो ऐसा पाता हूँ जैसे कोई बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया था और उसको पुनः मुझे मेरे ईष्ट ने ऐसा मौका दिया कि उनके चेहरे पे मैं वही शांति प्रदान करने वाली हंसी, मुस्कुराहट प्रदान करने में सक्षम हो पाया, उनको ऐसा मौका दे पाया कि वो प्रकृति मध्य अपनी बुद्धि, अपना छल, अपना कपट, अपना संसार भूल के उस प्रकृति का ही हिस्सा अनुभव कर सकें। कितना आनंद मुझे प्राप्त होता होगा जब मैं अपने शिष्यों को इस प्रकार से देखता हूँ, अपने शिष्यों को ऐसे मस्ती में झूमते हुए, प्रकृति में डूबे हुए। उनको तो आनंद होता ही है, और उनकी गति को देख के, उनके खोने को देख के मुझे बड़ी शांति प्राप्त होती है। वो जब संसार छोड़ते हैं और वो छलांग लगा के इस प्रकृति की गोद में कूदते हैं, तो सारे पर्दे छोड़ देते हैं, सारे पर्दे गिरा देते हैं, और उसी को गिराने में मेरा सहायक होना, सार्थक हो, यही मेरा प्रयास होता। गुरुपदासीन होके अगर मैं अपने कुछ शिष्यों को वो आभास करा सकूं जिसका दर्शन मैंने करा है, तो मेरे लिए ये जीवन सार्थक रहेगा, और उसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। ये जहां अपने साधकों को साधना कराई, देखिए जीवन कहां कहां, किस किस कोण से जीवित है, ये पूरी तरह से नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। इसके मध्य अगर कोई साधना करता है, काम तो निश्चित तौर पर उसको फल मिलता ही मिलता है। और मेरा प्रयास इसीलिए अपने श्री काल भैरव आश्रम को पूरे प्राकृतिक स्थान में खोलने का इसीलिए था, क्योंकि जो हमारी वास्तविक साधना है वो प्रकृति मध्य ही घट सकती है। आप जितना कंक्रीट के जंगल में रह के साधना करना चाहें, वो पूर्णता, वो सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। आपको प्रकृति में अपने आप को छोड़ने आना ही पड़ेगा। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है कि प्रकृति चीख चीख के पुकारती है कि आओ, रहो, जियो मेरे संग,
अपने अस्तित्व को महसूस करो, भले ही किसी भी प्रकार की साधना करो, लेकिन वापस अपने गंतव्य तक पहुंचो, उस प्रेम, शुद्ध प्रेम का, प्रकृति का, शांति का, ध्यान का मैं बार बार अपने साधकों को आभास करवाता हूं। ये एक हनुमान जी का एकदम वीराना स्थान था, जहाँ पर मैंने पहले भी कुछ साधना करी है। यहाँ पर विशिष्ट रूप से अपने साधकों को यहाँ दो चार रात्रि मैं साधना कराने के लिए लेके आया हूँ। उनको यहाँ दिखा रहा हूँ कि कितनी शांति है यहाँ। रात्रि में साधना करने का एक अलग महत्व है। शिष्यों के साथ आज रात्रि यहीं पर ही साधना करवाई जाएगी। बजरंगबली की विशिष्ट साधना है यहाँ, यहीं पर ही साधना होगी आज, यहीं से बता रहा हूँ। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर तथा नगर पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल भी है। यहाँ अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। प्रसिद्ध धर्म स्थल केदारनाथ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव के नाम पर इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग रखा गया। मंदाकिनी और अलकनंदा दो बहनों के रूप में ये दो नदियां रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। ये गढ़वाल श्रीनगर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर भी मैंने काफी समय रह के साधनाएं करी हुई हैं। तो ऐसे बहुत
बहुत सारे स्थान जहाँ जहाँ पर मैंने साधना करी है वो सभी स्थानों पर मैं अपने शिष्यों को ले जा रहा हूँ। ये आप समझ लीजिए नारद मुनि जो हैं वो भगवान शिव की उन्होंने उपासना करी थी और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने रौद्र रूप लिया यहाँ आने के लिए और यहाँ उन्होंने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। ये देखिए किस प्रकार से दो नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है, जैसे दो बहनें साथ में आगे बह रही हैं। कितना सुंदर दृश्य, और कैसे जहाँ नारद जी की तपस्या को फलीभूत करके भगवान शिव ने उनको पूर्णता प्रदान करी, तो क्यों नहीं किसी समर्थवान साधक की साधना फलीभूत नहीं होगी यदि वो ईमानदारी से अपनी साधना कर रहा है, निश्चल भाव से कर रहा है। आप लोग कुछ समय ये जो दृश्य है वो और आप एक हो जाएं इस दृश्य के साथ, सारी दुनिया से काट के आप और एक ये दृश्य आप ये स्वयं अनुभव करें कि आप वहीं पर हैं। यहाँ से मैं अपने शिष्यों को आगे की ओर ले गया, जो एक बहुत प्रचलित स्थान है जो काली मठ है, मेरा साधना स्थली भी रहा है। वहाँ पे
काली मठ में भगवान भैरव के दर्शन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने शिष्यों को। बहुत ही सुंदर जगह है, इतनी यहाँ पर महत्ता है कि रक्त बीज का वध हुआ था यहाँ पर। आप देखें घंटियों की आवाज़ आनंदित है। जय श्री काल भैरव। कालीमठ में मेरी साधना स्थली भैरव मंदिर के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये कालीमठ है, ये उनका द्वार आने से पहले ही वहाँ का श्वान और वहाँ के महंत हमारे आगे आगे चलने लगे और बहुत ही सुंदर पूजन हुआ। आप देखें भगवान भैरव के स्थान को एकदम वीराना जर्जर, ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्षों से न पेंट हुआ है न कोई देख रेख कर रहा है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भैरव जी का स्थान आपको हमेशा एकांत में ऐसे ही मिलेगा, वीराने में, वही सिद्ध स्थल है, आप ये जान के चलिए। क्योंकि उनको रंग ढंग चकाचौंध पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। और नीचे आपने काली मठ देखा, कितना रंग रोगन सजा।